हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी का कोई रिफंड बनता है तो सेक्शन 244 ए सबसेक्शन 1 के अंदर ये प्रावधान है कि एसएससी को 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या एसएससी के पास ये अधिकार है कि वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करके ये कह सके कि जो एसएससी को रिफंड दिया जाना है वो एज ए जजमेंट डेप्ट है, या किसी अर्लियर रिट पिटीशन में जो कि एसएससी ने फाइल की और हाई कोर्ट ये कहता है कि एसएससी को रिफंड मिलना चाहिए और उसको अलाइबल इंटरेस्ट दिया जाए, तो क्या इस जजमेंट के बेसिस पर एसएससी दोबारा ये रिट पिटीशन फाइल कर सकता है कि एसएससी को सेक्शन 244 ए सबसेक्शन 1 के मुताबिक 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ना मिलके 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यही इशू मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने एक केस गुरमीत सिंह विल्कू वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर के केस में सामने आया। ये केस 466 आईटीआर पेज नंबर 56 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक बैंक का एम्प्लॉय था और एसएससी को बैंक रूल्स के मुताबिक टर्मिनेट कर दिया गया और एक इंक्वायरी के तहत एसएससी को सस्पेंड करके उसकी तनख्वाह जो है वो रोक दी गई। एसएससी ने इस टर्मिनेशन के अंगेंस्ट कोर्ट गया और कोर्ट ने एसएससी का जो टर्मिनेशन था उसको क्वेश कर दिया और ये कहा कि एसएससी सस्पेंशन में रहेगा लेकिन एसएससी को सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एसएससी जिस बैंक का एम्प्लॉय था उस बैंक ने एसएससी को 20.90 लाख का सब्सिस्टेंस अलाउंस कैलकुलेट किया और जब उसको ये सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया तो एसएससी का 5,25,000 टीडीएस डिडक्ट कर लिया। एसएससी ने सेक्शन 154 की रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई रेवेन्यू पे और ये कहा कि मेरी रिटर्न्स का रेक्टिफिकेशन करके मुझे सेक्शन 89 का रिलीफ दिया जाना चाहिए, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के उस रिलीफ को रिजेक्ट कर दिया। असेसी ने इस रिजेक्शन के अंगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर करी। हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को ये दिशा निर्देश दिए कि आप असेसी को सेक्शन 89 का रिलीफ दें और जो भी अलाइवेबल इंटरेस्ट है वो उसको असेसी को दिया जाना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसएससी को रिफंड दे दिया और उसको 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज भी दिया जो कि सेक्शन 244 ए सबसेक्शन 1 के अंदर दिया हुआ है। एसएससी ने फिर दोबारे इस इंटरेस्ट के अंगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी और इस बार एसएससी की जो दलील थी वो ये थी कि एसएससी को सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक रिफंड पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए और जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने पहले पास किया वो एक तरीके से जजमेंट डेप्ट ट्रीट किया जाना चाहिए और एसएससी को 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिफंड पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इस बार हाई कोर्ट ने एसएससी की रिट पिटीशन को खारिज किया और हाई कोर्ट का ये कहना था कि जब सेक्शन 244 ए सबसेक्शन 1 के अंदर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब है तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से एसएससी को रिफंड पर इंटरेस्ट दिया जाएगा और जो कोर्ट का जजमेंट था पुरानी रिट पिटीशन में उसको एज ए जजमेंट डेप्ट नहीं माना जा सकता। जब स्पेसिफिकली एक रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया है तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से एसएससी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इस तरीके से कोर्ट ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में यह नहीं कहा जा सकता कि जो इंटरेस्ट है वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कैलकुलेट नहीं किया गया। फ्रेंड्स, इस केस से जो एक चीज निकल के आती है वो ये आती है कि
यदि एसएससी का कोई लेजिटिमेट रिफंड बनता है और रेवेन्यू उसको दे रहा है टाइम पे, तो एसएससी का सेक्शन 244 ए सबसेक्शन 1 के मुताबिक रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। लेकिन जहां पे कई जगह ऐसा हुआ है कि कोर्ट ने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, लेकिन वो उन केसेस में है जहां पर रेवेन्यू की गलती है और रेवेन्यू ने अननेसेसरली एसएससी का जो रिफंड है वो डिले किया है, क्योंकि यहां पर एक ड्यू प्रोसीजर था, असेसिंग ऑफिसर ने 154 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था, असेसी कोर्ट गया था और उसके मुताबिक असेसी को रिफंड मिला था। तो यहां पे एट द फेस कोई रेवेन्यू की कोई ये ऐसी मिस्टेक नहीं थी कि जो कि उन्होंने असेसी के लेजिटिमेट रिफंड को विदहोल्ड किया हो। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है गुरमीत सिंह विल्कू वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 466 आईटीआर पेज नंबर 56 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।